हाय फ्रेंड्स, आज हम होल व्हीट नान बनाएंगे। होल व्हीट नान हम आज तवे पे बनाएंगे। जनरली नान तंदूर पे बनती है, पर आज हम होल व्हीट और हम इसको तवे के ऊपर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए हमने 2 कप होल व्हीट लिया है आटा, आधा कप ये मैदा लिया है, नमक लिया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तेल, ऑलिव ऑयल यूज़ किया है मैंने और दही, और ये हम वॉर्म वाटर लेंगे। पहले हम बाउल में 2 कप होल व्हीट आटा डाल देते हैं गेहूँ का। इसमें हम एक मैदा, आधा कप मैदा डाल देते हैं। ये हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं, ये नमक डाल रहे हैं टेस्ट के हिसाब से, ये बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, ये हम तेल डाल रहे हैं, ऑलिव ऑयल 2 चम्मच ऑलिव ऑयल है। अब इसमें आप दही डाल दें। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें ये वॉर्म वाटर डालकर आटा गूंद ले, नरम आटा, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है हमें इसे। फ्रेंड्स, इसे आप थोड़ा और पानी डालें। देखिए हमारा आटा सख्त है अभी। वॉर्म वाटर यूज़ करने से आटा हमेशा, रोटियां जो है वो नरम होती है, नान भी नरम होती है। हमेशा रोटी के लिए भी आप वॉर्म वाटर ही यूज़ करें। इसे थोड़ा सा तेल लगा कर फिर से अच्छे से गूंद ले ताकि ये जो स्टिकी है स्टिकी ना रहे और सॉफ्ट बन जाए आटा। इसको आप ढक्कन देकर 2 घंटे के लिए साइड में रख दे। हमारा आटा अभी नरम हो चुका है, 2 घंटे हो गए हैं इसे रखे। अब हम इसको छोटा सा लोई निकालेंगे। लोई निकाल कर हम इसको इस तरीके से गोला बना देंगे। गोला बना के आपको इसको सूखे आटे में लपेट के लंबा रोल करना है। बेलन से लंबा इसको बेल लें। नान लंबी गोल जैसी आपको चाहिए वैसी आप बेल सकते हैं। इसको अब थोड़ा मोटा बेलें, नान हमेशा मोटी होती है। और जब आप बेल लें तो इसको पानी थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से लगा लें, और पानी लगा के इसे हम तवे के ऊपर चिपका देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बबल्स आ गए हैं। बबल्स आ गए मतलब हमारी नान फूल रही है। जैसे ही ये बबल्स आए, आप इस तवे को गैस थोड़ा आंच फास्ट करके इसे तवे को उलट के ऐसे सेक ले। आप देख सकते हैं कि नान कैसे सिक रही है, हम देख सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं हमारी नान सिक गई है। इसको हम स्पैटुला से धीरे धीरे ऐसे निकाल देंगे। देखिए कितनी बढ़िया सिकी है। अब हम इस पे घी या बटर लगाएंगे। अब हम इस पे घी लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट नान बनी है। जब इतनी सॉफ्ट अगर होल व्हीट से बन सकती है तो हम क्यों मैदा खाएं। आप होल व्हीट नान ज़रूर ट्राई करें और अपने परिवार को भी होल व्हीट आटे से बनी ये नान ज़रूर खिलाएं।